डिड साइड बी सी एंड सी एफ अ ट्राइंगल इनियो ऑफ टू रेश अब हमारा जो बी पॉइंट है वो है ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं ना ओरिजिन वैक्टर है हमारा तो उस केस में क्या हो जाएगी हमारे साइड ये वाला पॉइंट सी वेक्टर इज सी वैक्टर एंड ए वैक्टर इज ए वैक्टर ओके तो अगेन अब हमारा जो बीसी में जो क्या है डी पॉइंट है वो इसे क्या कर रहा है टू रेश में डिवाइड कर रहा है ठीक है तो मीन्स बी डी रेशियो क्या होगा तो ये क्या हो जाएगा अगर मेरा पॉइंट है तो हमें की क्या है टू रहा है तो ये वाली साइड टू तो या नीचे लिख देता हूं टू रेशो थ्री सिमिलरली पॉइंट है ई e पॉइंट क्या कर रहा e है ई पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी ए को सी सी ए को तो सी से ए पे जाने वाली साइड में ये पॉइंट ई e होगा और ये डिवाइड करता है टू रेशियो थ्री में तो अब हमें क्वेश्चन में बताना क्या है हमें बताने फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ओके ए डी एंड बी का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है अब अगेन डी वैक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर मैं देखूंगा तो डी वैक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास में ये क्या है टू बाई फाइव टाइम्स ऑफ सी वैक्टर हो जाएगा ठीक है एंड सिमिलरली ये जो हमारा ई e पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए वैक्टर

या फिर से मैं ऐसा बोल देता हूँ कि बी एफ इज इक्वल टू गामा टाइम्स अपॉन फाइव आ गया अब अगेन ये दोनों एफ पॉइंट इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अब एर वी वेक्टर एक्टर हमारे क्या है नॉन कोलिजर है तो दोनों के कोफिशियंट सेम होंगे तो यहाँ से

तो क्या आ गई हमारे पास में गामा की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास में थ्री टाइम्स ऑफ गामा बाय टू यहाँ से तो, तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से वन इज इक्वल टू इस साइड में एलसीएम ले लेंगे तो आएगा टू टाइम्स ऑफ गामा बाय फाइव प्लस थ्री टाइम्स ऑफ गामा बाय

हमें क्या बताना है क्वेश्चन सी अब हमें बताना है कि गामा की टेन बाई नाइनटीन इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहे है? ये डिवाइड कर रहा है हमारे पास में टेन रेशो नाइन में बीई को तो डिवाइड करता है टेन रेशो नाइन में अब लेमडा की वैल्यू क्या है हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो लेमडा क्या है हमारा लेमडा है सॉरी हाँ लेमडा क्या है थ्री टाइम्स ऑफ गामा बाई टू तो इट इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई थर्टी एट क्योंकि टेन बाई नाइनटीन है हमारा गामा तो आएगा ट्वेंटी बाई थर्टी एट तो क्या हो जाएगा ओ सॉरी टेन बाई नाइनटीन है तो थर्टी बाई थर्टी एट होगा सॉरी थर्टी बाय थर्टी एट तो सिंप्लीफाई करेंगे तो, 15 19, okay, तो आ जाएगा ये फिफ्टीन बाई नाइनटीन ओके ये वैल्यू आ गई फिफ्टीन बाई नाइनटीन तो लेमडा क्या था हमारा लेमडा टाइम्स ऑफ जो इन दोनों के वैक्टर्स के बीच का डिफरेंस था उसका लम्बा टाइम्स था तो मीन्स ये रेशो कितना गया हमारे पास में फिफ्टीन बाई नाइनटीन है टोटल का टोटल लेंथ का फिफ्टीन बाई नाइनटी नहीं है तो मीन्स रेशो फिफ्टीन रेशो फोर ओकेगा हमारे पास में फिफ्टीन रेशो फोर अब उसके अलावा और क्या पता है हमें अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमें बताना है इसके कॉर्डिनेट्स तो इसके इसकेट्स तो हमारे पास सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे बस गामा की वैल्यू पुट करनी है तो गामा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में टेन बाय नाइनटीन आई थी हमारे पास में बस पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो ये हो गए हमारे किस कोऑर्डिनेट्स उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो जैसे ही टेन बाई नाइनटीन पुट करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास में क्या फाइव से डिवाइड करूंगा तो टू तो जगह फोर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ सी वेक्टर अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में नाइनटीन सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर ए वैक्टर प्लस सिक्स